कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, सीएम बघेल ने किया ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज होगा माफ। किसानों की कर्ज माफी का ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2003 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब भी यही ऐलान किया गया था। सरकार बनने के बाद इस पर अमल भी किया गया। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से एन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सक्ती जिले में विधानसभा अध्यक्ष और सक्ती से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के नामांकन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से सरकार में आती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। वहीं अब तक अलग अलग मौकों पर पार्टी के शीर्ष नेता कई अहम घोषणाएं कर चुके हैं। इसी कड़ी में किसानों की कर्ज माफी भी एक और बड़ी घोषणा जुड़ गई है। बिलासपुर जिले में जहां राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का वादा किया था, वहीं सीएम भूपेश इससे पहले किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने 17.5 लाख आवासहीनों को पक्के मकान का वादा किया है। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का हुआ निधन। 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। भारत के पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। 77 साल की उम्र में बिशन सिंह बेदी ने आखिरी सांस ली है। भारत के लिए बिशन सिंह बेदी ने 67 टेस्ट मैच खेला था और कुल 266 विकेट लेने में सफल रहे थे। बिशन सिंह बेदी अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत के लिए 22 टेस्ट मैचों में कप्तानी भी की थी। भारत के लिए बेदी जी 1966 से लेकर 1979 तक खेले थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। बता दें कि बिशन सिंह बेदी 60 और 70 के दशक की मशहूर भारतीय स्पिन चौकड़ी का हिस्सा थे जिसने दुनिया भर में कहर बरपाया था। इरापल्ली प्रसन्ना और श्रीनिवास वेंकटराघवन और भागवत चंद्रशेखर के साथ मिलकर बिशन सिंह बेदी ने स्पिन गेंदबाजी का खौफ विरोधी बल्लेबाजों पर पैदा कर दिया था। बांग्लादेश में सोमवार को ओडिशा के बालासोर जैसा भीषण ट्रेन हादसा सामने आया है। दो ट्रेनों की आमने सामने भिड़ंत में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में मृतकों की संख्या और भी बढ़ने का अंदेशा है। अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। मौके पर राहत बचाव अभियान जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश अग्निशमन सेवा एवं नागरिक सुरक्षा मीडिया प्रमुख शाहजहां सिकदर ने कहा, मलबे से अब तक 15 शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवा की एक दर्जन से अधिक इकाइयां बचाव अभियान चला रही है।